कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा असलम। मैं हूं आदिया खान। मामा चल तो आज हम जिस व्लॉग पर रिएक्शन करने वाले, उस व्लॉग का नाम है फर्स्ट टाइम सेल्फ कैंपिंग इन माउंटेन। अच्छा हाँ, इसके पार्ट वन पे हमने कल व्लॉग, इसका जो व्लॉग था उस पे हमने मोहित के व्लॉग पे कल रिएक्शन दिया था। आज पार्ट टू है, एपिसोड टू लिखा, ईपी टू लिखा हुआ, तो अभी इस पे रिएक्शन देते हैं, देखते हैं भाई कैसा होता है। मैंने बोला भी था मुझे अच्छा लगता है इंडिया की चीजें देखना, तो यार इस तरह व्लॉग बनाया करो, हमें दिखाया करो, हम भी अपने व्लॉग बना के आपको अपना पाकिस्तान दिखाया करेंगे, ठीक है ना। कल क्या कहते हैं, कल हम लोगों ने बोला था कि यार इसके लगता है बहुत सारे एपिसोड चलेंगे, तो पता नहीं कितने चल रहे हैं, अभी तो टू ही आया है। लास्ट में देखो इसने क्या बोला, क्या नहीं, क्या पता मैं बंद कर दिया कुछ भी, क्या पता लास्ट हो इस एपिसोड का। तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन और पर क्लिक कर लें। आपके साथ सेक्स मिल जाए, पहले भाग रहा है, बौखला रखा हूँ। So hey guys, welcome back to our vlog channel again। कैसे आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप सभी बहुत बड़े होंगे। सो मनाली की सुबह हो चुकी है, यहाँ से रेडी वेडी हो चुका है, यहाँ से निकलेंगे जिस्पा जो है हिमाचल प्रदेश की जगह है, जिस्पा है किलोंग में, वहाँ पे हम खुद का कैंप लगाएंगे। तो अभी हमने पूछा वहाँ पे लगा सकते हैं, तो उधर निकलना है, वहाँ पे पहले से कैंपिंग भी है बट हम अपना लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा मजेदार हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टे किया हुआ था मनाली में एंड होपफुली आज हम खुद से पहली बार टेंट लगा पाएंगे, थोड़ा सा टफ है बट हाँ कर लेंगे हम, और सब तैयारियां हो चुकी है निकलने की है बस यहाँ से। यहाँ पे भी होटल अच्छा था, यहाँ पे व्यू अच्छा आ रहा था, सामने ग्लेशियर थे तो ऐसा इंटरेस्टिंग था, मजेदार रहा, सोए आराम से, पूरा रेस्ट किया क्योंकि जरूरत थी। एंड ये दोनों भाई फोटो में लगे हुए थे, ये भाई तो यहाँ पे अपना फोटो शूट कराना है ना हमें, जिसने तो हमने बढ़िया फोटो शूट करा है। अजय शर्मान अंदर निकलते हैं भाई, इन भाइयों ने मेरे ख्याल से पेमेंट ली नहीं है, ऐसा अजीब लगता है यार। मतलब इज्जत करते हो, हम भी आपके लिए बहुत प्यार है एंड बस मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ना हो तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं। पूरे रास्ते लोगों ने सॉन्ग ही नहीं लगाए गाड़ी में, हम होते तो हम चला चला के मार देते। ब्लॉग बना रहे ना, ब्लॉग के बाद बनाया शायद सॉन्ग लगाया। मैंने मेरे भाई को मना करा भाई, मेरे को मत देख, फिर तेरे कहे तू उड़ाएगा, अब क्या कौन से पहाड़े मारना है वो हाथ से नहीं उड़ता है। चले चले ले चले चले। ओह वाओ, अच्छा ब्रदर। अगर हम यहाँ पे टाइम होता ना बार बार तो हम भी यहाँ पे नहाते वाते, यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ नहाने का, अगर मनाली साइड आओ तो अरे मस्त व्यू है यहाँ पे, आराम से बैठ के और शाम के टाइम आना, धूप में होता ना। यहाँ पे एक जुगनी फॉल भी है, वहाँ भी आगे विजिट कर लेना। एंड देयर इज वन मोर प्लेस, कौन सी बताइए हमें, ट्रैक ब्रैक के लिए जगह बताइए, एक शिशु नाम क्या था हम था उसका, शिशु जगह भी बहुत अच्छी है, स्विट्जरलैंड कहते हैं उसे, वहाँ भी चले आना। भाई साहब ऊपर और डीजल पेट्रोल पंप है, हमें जिस पर जाना भी दो, हाँ और इसके बाद लेह लद्दाख जाना है तो पेट्रोल पंप ऊपर होंगे। यहाँ के लोग भी अच्छे होंगे ना, इतने पहाड़ों में रहते हैं, साफ सुथरे, पानी पानी। अच्छा अच्छा, इसके बाद आप ट्वेंटी फुल करवा लेना, ट्वेंटी फुल के बाद लेह तक आपका तेल की टंकी फुल हो जाएगी। ठीक है ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। अच्छा अगर आप पूछ लिया, यहाँ पे टंकी फुल करा लेंगे, इसके बाद सीधा एक और बताया ना, एक बताया उसके बाद सीधा, तो कैन भरवानी है नहीं भरवानी, कैन तो सी हो सकता है, किसी रस्ते में ग्रीन की बोल कर सकते हैं।
अपनी गाड़ी का चल जाएगा मेरे ख्याल से यार, फिर भी भरवा लो 400-500 निकाल दी, और हैवी तो बहुत बड़ा टैंक यार, चल भरवा ही लेता हूं। पंप अंडर मेंटेन में से भाई, अब तो आगे वाले भी जाना पड़ेगा भाई, चले आगे वाले की भरोसा हो जाएगा, आगे है यार कह रहे हैं भाई, निकाल ली गाड़ी। सामने देख, सामने का व्यू है भाई, बच्चे नहीं होते पिकनिक पे आए होते हैं ये। अरे यार सामने चढ़ जाए क्या भाई, बहुत पहले गया, मैं सामने चढ़ जाऊं उस पहाड़ पे सब्जी। वाओ यार कितना प्यारा लग रहा है ना, वाओ वो देख, मेरा भी बड़ा मन करता है मैं ऐसी जगह पे जाऊं। हमारे जो जब से हम जा रहे हैं किलोंग उसके रास्ते में पड़ता है, अब वहाँ जा सकते हो पर बहुत अभी और क्राउडेड था, वो तो वहाँ रुके नहीं, और वहाँ पे भी कैंपिंग वैम्पिंग है ना, बहुत सीन हो रहा था पहले ही, बहुत क्राउडेड है, बट वहाँ पे अगर आप आते हो तो आप जिप लाइनिंग कर सकते हैं, और वो कौन सा होता है वो क्या चलाते हैं, अरे पैराग्लाइडिंग, और वो क्या चलाते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, और वो क्या चलाते हैं, पैराग्लाइडिंग ATV कहते हैं ना, ऑल ट्रेन, हाँ ATV टाइप भी होता है, जो चार टायरों वाला स्कूटर सा होता है, आप वो भी चला सकते हो वहाँ पे, हाँ उसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, वो भी चला सकते हो, सब ऑप्शंस हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें कर सकते हो, बट हमें वो नहीं करना, तो हम सीधा जा रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए इजी हो जाएगा, जब सब सीधा अपना कैंप लगाएंगे आज कि शिगी, चलो गाने वाने उड़ बजाते हैं वीरे। कितना प्यारा ऐसा लग रहा है, फेक है बिल्कुल, पिक्चर में नहीं होता वैसा लग रहा है, अटल टनल है भाई, यहाँ पे चेकिंग चल रही है, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, अभी पीछे एक जगह दी यार, बहुत सही कैंप कर रहे थे लोग, अब मुझे जगह भी नहीं पता क्या है, एक तो आइडिया नहीं है ना, लोग पहली बार आए तो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये भी देख लें वो भी देख लें, उसके चक्कर में लग रहा है सब कुछ मिस ना हो गए। अमित कह रहा है हौसला रखो, हम पॉजिटिव बंदे हैं, हमें अच्छी जगह मिलेगी, टनल तो बहुत बढ़िया है, 40 की स्पीड लिमिट है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा भाई, सही है पुलिस वाले ने स्टार्टिंग में बता रहे हैं तुम्हें कि आप भाई स्पीड लिमिट में चलाना, टनल ओवरटेक मत करना कहीं भी यहाँ पे, कोई भी सिलेंडर ना लेके आए, हाँ कोई सिलेंडर मत लेके आना भाई, कुछ भी बड़े वाला ही बाहर ही रोक लेंगे, आपको ले जाने नहीं देंगे। टनल में ओवरटेकिंग अलाउड है नहीं, अगर आपके आगे वाली गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड पे तो आपको 30 पे चलना पड़ेगा, वैसे 60 लिमिट है, और अभी हमारे आगे वाली गाड़ी धीरे धीरे कच्चों की चाल चल रही है भाई, कितनी बढ़िया नींद नींद आ जाएगी, एक तुम्हारा सोने को हो रहा है पीछे, सो गया क्या मर गया, थोड़ा सा जिंदा हूँ मैं, थोड़ा सा चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की, लोग देखने आ रहे हैं इस टनल को, पता नहीं दूर दूर से बस इस टनल को देखने, बाहर सेल्फी ले रहे हैं, टनल के बाहर जाम लगा रखा है, मैंने कहा भाई क्या हो गया, पास वास चाहिए, पास तो है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं चाहिए, सीधा आओ जाओ, फोटो वोटो खिंचवाने, जाम लगा रखा है यार, जितना हो सके ना घर पे रहो, ज्यादा ना, क्या कह रहा मुझसे, अगर अभी जो प्लान बन रहा है ना लेह लद्दाख का, अमित है हाँ, राहुल का मानूंगा, राहुल को मतलब बाद में शादी किया, बट हाँ अमित जड़ इस ट्रिप की, अमित है साला, ऐसा हो गया था, खत्म ही नहीं हो रही थी टनल, मैंने पता नहीं कब खत्म होगी, भाई साहब को नीचे आटी फोटो खींचा, पिंक शर्ट पहन के आए घर से, भाई यहाँ फोटो खींचाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ आगे रोक लेते हैं, कैमरे में लगा देते हैं भाई, चल भाग रहा है, और चल कैंप का लगाएगा रात होगी, अब यार सीसू तो आ गए हम, अभी ना यहाँ पे ये तो भाई चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सीट मतलब वो मिलेगा नहीं मिलेगा कैंपिंग का, मेरे को तो लग रहा है वहाँ पार्किंग लगाते हैं और लगा लेते हैं कैंप, ये भी हो सकता है लेक है ना इसलिए पूरा वो ना हो, ये कमर्शियल ना कैंप लगा सकते हैं ना, तो यहीं लगाते हैं क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते हो जाएगी रात, बैंड पहले दिन टेंट लगा रहे हैं, पता चले ना टेंट लगे ना कुछ हो, वहीं पे किसी और के टेंट में घुस के सो रहे हैं रेंट पे, राहुल व्हाट डू यू थिंक, ये बेटर किसी और के टेंट में, यार 5 बज गए हैं, एक घंटे बाद
मुझे 2 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं अपना। बात करने में क्या जा रहा है, 15 मिनट लगे हमें, बोल। मैं कह रहा हूँ श्रीमान मोहित जी अपनी गाड़ी को पहले किस लिए जाए। कितने प्यारे वाइट वाइट पहाड़ थे, देखा तूने? ये कैसे लगाएंगे टेंट? अब तो जो घट गया तो घट गया, और किले कहाँ भी। ये रहे राहु क्या है, बन गया वाटरप्रूफ हो गया। इतना छोटा सा क्या है, सब अपने अलग अलग बनाए शायद, शायद पक्का नहीं पता। लाओ भाई त्रिवरी लाओ, एंजॉय सो रहा हूँ मैं बस। सो दो छह टेंट की सबसे बेस्ट जगह ना, यहाँ लोग सामने जाना। एक तंबू कैसे खड़ा करो, सब टेढ़ा है क्या? लाइटर है लाइटर, 40 का था 50 का हो गया। अभी अर्शू पूरा उतने ही खा जाते, कच्चा खा जाता। अरे आलू आलू यार, वो आमलेट दूध पर देखे। हाँ यार दूध देख लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से दूध ले रहे हैं क्योंकि दूध मेरे को और अमित को तो भाई मतलब दूध के बिना हम रह नहीं सकते। तो अभी दूध का एक लीटर का पैक है वो लिया है, और इसके बाद अभी मैगी वैगी बनाएंगे, ऑमलेट ले लिया खाएंगे। यार अंधेरा हो गया, हम निकले थे, सोचा था जल्दी से लेके चल देंगे तो मज़ा आएगा, कोई नहीं। अब कैंप वैम तो अपना लग गया, वो सामान वामान रख रहे हैं उसमें, और अपना अभी मतलब सॉरी वो स्लीपिंग बैग रख लें, वो रख लेंगे। लकड़ी पड़ी मिलती उसमें जला लेंगे आज, पर लकड़ी जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं लाए तो लकड़ी जलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख सारा कितना बड़ा लगता है, ऐसे जलाएंगे कैसे, आग जलाएंगे मिट्टी का तेल तो लाएंगे। एक बंदा है फुल बंड, कहता भाई यहाँ सेक्स मिल जाएगा, कह रहा आपके साथ सेक्स मिल जाएगा। मैंने कहा बहन मेरे साथ, कह रहा नहीं भाई यहाँ कहीं सेक्स मिल जाएगा सेक्स, बहन कैसे घूम रहे हैं लोग, सीधा सेक्स मांग रहे हैं, मेरे सेक्स मिल जाएगा। कितनी अजीब सी जगह गाड़ी चला रहे हैं ना, टायर वायर पंचर हो जाए फिर लग गए। कहते भाई सेक्स मिलेगा मेरे को, मतलब मेरे साथ कराना हो यार, सेक्स दिलवा दो, डेस्परेट बैठे हैं भाई सेक्स दिलवा दो यार। फरीदाबाद के थे, चल फिर आपने चेंज कर लिए यार, गबरू उठा के रखना कंधे पे भीम का शरीर, मैंने से ट्रेन किया ठीक है, तो कोई भी अगर ट्रेन नहीं अब कर पे खाली सिर्फ ये दो लोग आए क्या, तीसरा कहाँ गया, वो दिख ही नहीं रहा। हाँ चलिए काम भी करना है हर जगह है, छोटी बढ़ाना, छोटी लकड़ी बढ़ा, छोटी लकड़ी बढ़ाना नीचे वो तो कितने गरीब होते हैं, चक्कर आ रहे हैं ऐसे, स्टिंग डाली है तो हाथ लगा लेना मेरी माँ, उसके हाथ पे आग लग गई। अरे ये क्या हर्ष की कॉपी कर रहा है, वो छोड़ दे, ये अपनी की पकड़ी, शायद ये पकड़ रहे धीरे धीरे तेरी बात, अरे जल्दी जल्दी अपनी वाली डाल दी, हट जा हट जा हट जा, इनका हाथ गया, अपनी वाली डाल दी, अब उल जाएगा आए आओ देख के आ गया, अंधेरा हो गया। सो गाइस बॉनफायर हो चुका है, और अभी हम अपना खाना मैगी स्टार्ट कर रहे बनानी, मैगी स्टार्ट कर रहे हैं बनानी, मैगी बनाएंगे, दूध ला चुके हैं, और फिर अपना ये सामने कैंप है पीछे बना लिया हमने, फिर टेंट वेंट लगा लिया, इसमें सोएंगे, बॉनफायर हम सक्सेसफुल है अपने आग लगाने। ये ब्रो व्हाट्स अप मैन, गुड ब्रो, क्या कह रहे हो, मैगी दिस इज अ फकिंग, सामने दूध हमने मंगा लिए, दूध डालेंगे मैगी, क्या कहते हैं नदी जा रही है, नदी को नहीं कहते, झरना टाइप का कुछ जा रहा है वहां से, ठीक है अब अपने स्टॉप निकाल लेते हैं। 2 किलो कैसे गिरने लगती,
स्टॉप चालू है भाई, गाड़ी का मुंह करके लगाने फोन सर बहुत दूर लगा है। इन्होंने कहा सिलेंडर नहीं लाना रोक देंगे, तो फिर क्यों सिलेंडर लिया? वो मटर भी होते हैं इसमें। एक नंबर मैगी बन गई है, अपना ट्रेंड भी अच्छा है। कैसी लगी मैगी? मजा आया, मजा मैगी। साला बेशरम इंसान भाई, चमचा हिलाता रहा, लास्ट मैगी कब बने कब खाऊं? बनाई ना, बनाई बनाती है मैगी, बनाना कहते हैं इसे। खा ले मैगी, आया चार मिनट लगा ले थोड़ी देर। नेक्स्ट स्टेप कैंप लगाएंगे, मतलब नेक्स्ट कल करेंगे ना। बौखला रखा हूँ मैं खाने से, मुझे भूख लग रही है। सो अभी जस्ट खाना खा लिया है सबने, मैगी खा लिया, अब सोने जा रहे हैं। अब सोएंगे नहीं, भी थोड़ी मूवी देखेंगे फिर सो जाएंगे। और एक और चीज, जैसे आप खाना वाना खाओ ना, जो भी बर्तन है उन्हें या तो साफ कर लेना, अगर रात है तो उसे गाड़ी में हो तो गाड़ी में रख, और गाड़ी कर देना लॉक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्मेल सूंघते जंगली जानवर वैसे आ जाते हैं। बट अभी कोई आएगा नहीं गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं, सेफ है। बट लोग नहीं यहाँ पे, हम ही हैं। चलें, रख लें भाई। एक बारी गाड़ी, सही बात बता दी उसने कि खाना वाना हो तो फौरन या गाड़ी में डाल दे या कहीं कहीं कर दो, जानवर वगैरह आके, जानवर वगैरह आके स्मेल सूंघ के। मतलब स्लीपिंग बैग भाई, क्या हो रहा है? मुझे खुद से कॉल आ रही है, ये देख। सो गाइज, अभी बस सोने जा रहे थे और मुझे ना अभी ना अपने ही नंबर से कॉलिंग हुई है, मतलब मेरे ही नंबर से मेरे को कॉल आ रही है। सेल्फ कॉल, मतलब स्कैम कॉलिंग है सारी, मुझे पता नहीं था। मैंने, मेरे को समझ ही नहीं आया, क्या वो मेरी घड़ी में एकदम से नोटिफिकेशन आया, मैंने पिक कर लिया। मैं बताऊँ, मेरी फटी पड़ी है। मुझे अब ये लग रहा है डर कि पता नहीं क्या करेंगे, मेरा फ़ोन तो हैक नहीं हो जाएगा, वैसे आईफोन है, हैक तो नहीं होगा, और उसके जो अकाउंट मेरा फट रही है। फोन पे पड़ी है अपनी आशिकी की, मुझे दो बार कॉल आई, दूसरी बार तो मैं राहुल को दिखाने के चक्कर में पिक नहीं करी। ये देखो मिस कॉल है, मेरा खुद का नंबर है, मैं अपना नंबर तो नहीं दिखाऊंगा। 9:30 पे आई थी मेरे को मिस कॉल, मेरे ही नंबर से मुझे ही, और उससे पहले मैंने कॉल पिक करा, और मुझे ये देखो मेरे ही नंबर से 18 सेकंड बात हुई है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, मेरे ही नंबर से मेरे को 18 सेकंड कैसे बात कर रहा हूं? अगर किसी को इसका कुछ आइडिया है ना तो मुझे बता दो, क्योंकि भाई मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। मेरे पैसे वैसे नहीं कट जाएंगे, किसी से पूछूं अभी फोन करके। चलो गाइस गुड नाइट, और अभी हम सोने जा रहे हैं। किसके साथ पता नहीं आज क्या लगा हुआ, एपिसोड 3 आएगा इसके ब्लॉग का, कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ट्रायल सीरीज के साथ। ओके ओके ओके, मैं वेरी बहुत खुश हूं। बाय बाय, सी यू। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा। कितना प्यारा उसके उससे स्मोक क्यों गया ना, तो बहुत वीआईपी मतलब व्लॉग था इनका, जो बात है। कैसा था? अच्छा था। क्या मतलब अच्छा था? मुझे देख के अच्छा लग रहा था कि मतलब कितना अच्छा व्यू देख के, और सर्दी भी है वहाँ पर। मेरा भी मन करता है इस तरह जाऊं यार, अच्छा लगता है। वाला क्या सीन है तेरे साथ हुआ है क्या? पता नहीं, अपने ही नंबर से कॉल आए, रहमान से पूछने, समझ से पूछने, एडिटर ने, उन्हें ज्यादा पता होगा। खैर कोई नहीं, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।